फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू दिस वीडियो डॉक्टर अनीता कोठारी। बच्चों कल हमने स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बताया था और आपको मैंने ये बताया था कि जो मैकेनिज्म होता है वो हमेशा क्या होता है SN2 होता है। अब हम आज डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज अ टू पाथ मैकेनिज्म, एक दो पथ वाला मैकेनिज्म होता है। और वो कौन कौन से दो पथ है? एक होता है सॉल्वेंट पाथ यानी विलायक पथ और दूसरा होता है रिएजेंट पाथ यानी कि अभिकर्मक पथ। ओके, अब ये दो पाथ से हमारा क्या मतलब है एक बार मैं आपको एक रफ बता देती हूँ इसके बारे में। जैसे सपोज ये कोई हमारा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है PTL3X, इसकी हम किसी रिएजेंट Y के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो व्हाट विल हैपन कि PTL3 में X हट जाएगा, उसकी जगह Y आ जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अगेन विच इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म है इसमें अगर डायरेक्टली वाई इसके ऊपर अटैक करेगा है ना, और मैकेनिज्म तो मैं आपको बताई चुकी हूँ SN2 होगा। तो अगर ऐसा होता है तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उसमें वाई दैट इज वाई को हमने क्या कहा है रिएजेंट है ना, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये वाला अगर चीज होती है तो ये डायरेक्ट रिएजेंट पाथ कहलाएगा है ना। एंड दिस पाथ इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट पाथ, क्या कहते हैं इसको हम दूसरा नाम, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट पाथ, प्रत्यक्ष पथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे हो रहा है, इसमें किसी सॉल्वेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, लेकिन एक दूसरा पाथ और पॉसिबल है, उसमें क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर पहले सॉल्वेंट अटैक करेगा। अगर सपोज वी आर कैरिंग द रिएक्शन इन वॉटर, अगर हम पानी में रिएक्शन कर रहे हैं तो इसके ऊपर पहले वॉटर अट्रैक्ट करेगा और आपका कॉर्डिनेशन नंबर 5 वाली ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी और फिर वाई क्या करेगा इस वॉटर को रिप्लेस करेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यानी कहने का मतलब इसमें पहले सॉल्वेंट ने इंटरफेयर किया इसको और सॉल्वेंट ने अटैक किया उसके ऊपर और फिर सॉल्वेंट को वाई ने रिप्लेस किया और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे सॉल्वेंट पाथ यानी कि विलायक पथ। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज रिएजेंट इंडिपेंडेंट पाथ, क्या कहलाएगा ये रिएजेंट इंडिपेंडेंट पाथ यानी अभिकर्मक स्वतंत्र पथ और रिएजेंट इंडिपेंडेंट पाथ, रिएजेंट इंडिपेंडेंट पाथ। ओके, यानी अभिकर्मक स्वतंत्र पथ कहलाएगा। राइट, तो आप देखो ध्यान से समझिएगा कि मैकेनिज्म तो हमेशा SN2 ही रहेगा है ना, लेकिन जो चीज है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि दो तरह के इसमें साथ साथ प्रोसीजर चलेंगे। एक तो डायरेक्ट चलेगा जिसमें रिएजेंट कॉम्प्लेक्स पे अटैक करेगा जिसे हम रिएजेंट पाथ कहेंगे और वो पाथ कहलाएगा डायरेक्ट पाथ, और दूसरा इनडायरेक्ट होगा उसमें पहले सॉल्वेंट अटैक करेगा कॉम्प्लेक्स पे और उस सॉल्वेंट को रिएजेंट रिप्लेस करेगा। क्लियर है? और इस तरह से आप देखेंगे कि इसका दो तरह से अपन मैकेनिज्म पढ़ के और इसकी रेट निकालेंगे। ओके, तो मैं आपको दोनों ही मैकेनिज्म है एक साइकिल में कंप्लीट करके बता देती हूँ और उससे आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो आप भी मेरे साथ साथ ये बना लीजिए। सबसे पहले सपोज ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया अपना PTLLLX है ना, यहाँ पे मैंने कन्वीनियंस के लिए इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं डाला है। ओके, अब सबसे पहले जो आप देखो मैं डायरेक्ट पाथ ले रही हूं, इस डायरेक्ट पाथ में क्या होगा इसके ऊपर वाई अटैक करेगा है ना, SN2 मैकेनिज्म है तो दोनों ही हिस्सा लेंगे कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द रिएजेंट और आपकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री टाइप बनेगी जिसमें ट्रायंगल पे इस तरह से तीन ये आ गए और एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर है? बोलो, है ना, ये एक स्लो प्रोसेस होगा, हेंस इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक गतिक निर्धारक पद होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद में एक फास्ट रिएक्शन होगी नेक्स्ट जिसमें इसमें से एक्स निकल जाएगा और हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जिसमें एक्स को रिप्लेस कर दिया है वाई में, है ना। तो यहां पर हम क्या नोट करेंगे कि हम जो पॉइंट नोट कर रहे हैं वो नोट करिएगा, यहां पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 4 है एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर। जब यहां पर इसके ऊपर एडिशन हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 5 हो गया है एंड दिस इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, त्रिभुजीय द्विपिरामिडल ज्योमेट्री है, यहां आपका बन गया है प्रोडक्ट
which is also having the coordination number 4 and this one is square planar complex. Okay, ये आपका रिएक्टेंट है, राइट? तो ये एक डायरेक्ट प्रोसीजर है जिसको हम ये क्या कहेंगे, दिस इज द रिएजेंट पाथ, जो कि हमने सेकेंड नंबर पे पढ़ा था. दिस पाथ इज नोन एज द रिएजेंट पाथ. रिएजेंट पाथ आ रहा है, बोलो समझ में? क्योंकि रिएजेंट ने डायरेक्टली इसमें हिस्सा लिया है. अब आपको मैं सॉल्वेंट पाथ के बारे में बताऊंगी. अब सॉल्वेंट पाथ में क्या होगा कि अगेन जो है पहले सॉल्वेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, और सॉल्वेंट क्योंकि हम वी आर कैरिंग द रिएक्शन इन एक्वस सोडियम एक्वस मीडियम, हेंस वॉटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस. तो यहां पर वॉटर सॉल्वेंट है उसके ऊपर अटैक करेगा. अगेन दिस वन इज अ स्लो एंड हेंस अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. गति निर्धारक पद होगा. SN2 मैकेनिज्म में अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो आप देखो किस तरह से ज्योमेट्री बन रही है. देखिए आप ये ज्योमेट्री जो बनेगी इसमें अगेन ट्रायंगुलर बायपिरामिडल है ना, ये एक L यहां पर आ गया, एक L ऊपर एक L नीचे, और इधर ट्रायंगल पे दो आपके लिगेंड्स आ गए, एक आ गया आपका वॉटर और एक आपका आ गया एक्स. ओके, सो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5. ओके, एंड दिस इज अगेन ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री है ना. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था है ना. दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, राइट? अगेन आप देखेंगे कि एक फास्ट स्टेप होगा. इस फास्ट स्टेप में y इसमें से निकल जाएगा और आपका स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनेगा, जिसमें कि x को रिप्लेस कर दिया किसने, वॉटर ने रिप्लेस किया है. ओके, अब आप देखिए क्योंकि सॉल्वेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है पहले, राइट? फिर इसमें एक फिर से रिएक्शन होगी फास्ट, जिसमें रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाए. SN2 मैकेनिज्म से इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब SN2 मैकेनिज्म से उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या बनेगा. सबसे पहले पीटी है ये, एक एल ऊपर एक एल नीचे. ओके, ये एल ट्रायंगल के कॉर्नर पे एक एल है, एक वाई हो गया, एक आपका OH2 हो गया है ना, क्योंकि वाई ने इसके ऊपर अटैक किया, राइट? और एकदम से फिर से फास्ट रिएक्शन होगी, देखो बच्चों. और इस फास्ट रिएक्शन में कौन निकल जाएगा इसमें से, इसमें से वाई निकल, इसमें से वॉटर निकल जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन. ओके, तो अगेन यहां पर आप देखोगे कि यहां पर तो हो गया अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री, त्रिभुजीय द्विपिरामिडल ज्योमेट्री होती है. एंड दिस होल पाथ इज नोन एज द सॉल्वेंट पाथ. ये तो आपका ऊपर वाला तो हो गया रीजन पाथ, और ये हो गया आपका कौन सा, सॉल्वेंट पाथ, बिकॉज सॉल्वेंट इज इन्वॉल्व्ड हियर है ना. तो ये सॉल्वेंट पाथ हो गया और ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया, रीजन पाथ. क्लियर है, बोलो, है ना? तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दो टू पाथ मैकेनिज्म है. मैं एक बार इसको रिपीट करके फिर आपको इसका पूरा रेट लॉ बताऊंगी कि किस तरह से हो रहा है. ये मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. इसमें आपने मैंने ये बताया आपको कि एक टू पाथ मैकेनिज्म होता है जिसके हम दो पथ होते हैं, एक सॉल्वेंट पथ होता है और दूसरा रिएजेंट पाथ होता है. सॉल्वेंट पाथ को हम इनडायरेक्ट पाथ भी कहते हैं या रिएजेंट इंडिपेंडेंट पाथ भी कहते हैं, और जो रिएजेंट पाथ होता है उसको हम रिएजेंट पाथ कहते हैं, अभिकर्मक पथ कहते हैं, या डायरेक्ट पथ भी कहते हैं. रिएजेंट पाथ को हम डायरेक्ट पथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और ये सीधा होता है. और जो सॉल्वेंट पाथ है उसको हम रिएजेंट इंडिपेंडेंट पाथ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस जो पथ की रेट है वो रिएजेंट की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी. ओके, वो किस तरह से होगा मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ. पहले सिंपल वे में आप समझ लो कि दो पथ कौन कौन से हैं. पहला है रिएजेंट पाथ, उसमें रिएजेंट अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म से करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाली ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, और फास्ट रिएक्शन में इसमें से आपका x निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट में x की जगह y आ जाएगा. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएजेंट पाथ, राइट? नाउ द सेकंड पाथ इज द सॉल्वेंट पाथ. एंड इन सॉल्वेंट पाथ जो फर्स्ट स्लो स्टेप होती है उसमें सॉल्वेंट इसके ऊपर अटैक करेगा और ट्रायंगुलर बायपिरामिडल आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, संक्रमण अवस्था बनेगी. उसमें से फिर एक्स निकल जाएगा फास्ट स्टेप में और स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड आपका ये बनेगा,
और इसके ऊपर अब आपका रिएजेंट अटैक करेगा, है ना। तो पहले वॉटर ने अटैक किया, फिर वॉटर को हटा करके रिएजेंट ने अटैक किया, ओके। और जब रिएजेंट इसके ऊपर आ गया तो अगेन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ज्योमेट्री, और इसमें से जब आपका वॉटर हट जाएगा तो यू विल बी गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, राइट। तो आप देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो रेट है वो दो पथ पर निर्भर करेगी। किस किस के ऊपर करेगी देखना जरा, रेट जो डिपेंड करेगी वो करेगी आपका एक तो सॉल्वेंट पथ पर निर्भर करेगी और दूसरी किस पर निर्भर करेगी, रिएजेंट पाथ पर निर्भर करेगी, करेगी ना। तो आप देखो कि जो रिएजेंट पाथ है ना, SN2 मैकेनिज्म है, तो उसमें रेट कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन और रिएजेंट की कंसेंट्रेशन दोनों पर निर्भर कर रही है, क्लियर है। जबकि जो रिएजेंट पाथ है, जो आपका सॉल्वेंट पाथ है, उसमें जो रेट है वो कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन और वॉटर की कंसेंट्रेशन पर निर्भर कर रही है, राइट। लेकिन क्योंकि वाई बाद में फास्ट स्टेप में आ रहा है तो ये वाई की कंसेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगी। तो फिर से रिपीट करते हुए मैं आपके बताना चाहूंगी कि जो रिएजेंट पाथ है उसमें जो रेट है वो कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन और रिएजेंट की कंसेंट्रेशन पर निर्भर कर रही है, ओके। जबकि जो सॉल्वेंट पाथ है उसमें जो रेट है वो कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन और वॉटर की कंसेंट्रेशन पर निर्भर करेगी। लेकिन आप सबको पता है, सिंस वी आर कैरिंग द रिएक्शन इन द एक्वस मीडियम एंड सिंस वॉटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, क्योंकि वॉटर बहुत अधिकता में होता है, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। और इसीलिए अभिक्रिया के दौरान पानी की सांद्रता में क्या कमी आई है इसको ज्ञात करना संभव नहीं होता, और इसीलिए हम वॉटर को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही लिखते हैं, क्लियर है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हम वॉटर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो वॉटर की कंसेंट्रेशन होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है 55.5 मोल, ओके। तो अब आप मैं रेट लॉ इसका आपको पूरा को बता रही हूँ, आप समझ गए ना ये पूरी बात कि यहाँ रेट कॉम्प्लेक्स और वाई पर निर्भर करेगी, इस स्टेप की रेट केवल कॉम्प्लेक्स पर निर्भर करेगी, वॉटर पर निर्भर नहीं करेगी, ओके। तो अब मैं आपको इसका रेट लॉ बना के बता रही हूँ, आप देखिएगा ध्यान से कि बड़ा इंटरेस्टिंग रेट स्टेप है इसका, कि किस तरह से रेट इसकी डिपेंड करती है, ओके। एक बार इसे आप क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सब कुछ। अब आप देखिए जरा, इस पूरे प्रोसीजर की जो रेट है वो दोनों ही स्टेप पर निर्भर करेगी, यानी अभिक्रिया की जो गति है रेट, दिस इक्वल्स के, है ना, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट पाथ। सॉल्वेंट पाथ है उसको मैंने केएस से रिप्रेजेंट किया है, तो कॉम्प्लेक्स पीटी L3X पे डिपेंड करेगी। वॉटर को मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज वॉटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस और उसकी सांद्रता में जो कमी आती है वो बहुत ही नगण्य होती है, तो उसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर कह सकते हैं। यह हमने के वाई लिखा है, वाई रिप्रेजेंट फॉर द रिएजेंट, ओके। रिएजेंट वाला पथ बता रहा है हमको, और यहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स और रिएजेंट, क्लियर है बोलो। यानी ये किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू द सॉल्वेंट पाथ, सॉल्वेंट पाथ, और ये किसकी वजह से है, रिएजेंट पाथ की वजह से है। रिएजेंट पाथ SN2 मैकेनिज्म दोनों ही हिस्सा ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स और रिएजेंट। सॉल्वेंट पाथ में कॉम्प्लेक्स और सॉल्वेंट हिस्सा लेते हैं, लेकिन सॉल्वेंट को हम इग्नोर करते हैं, इसलिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स यहां पर लिखा है, क्लियर है। तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इज द के एस इज द रेट कॉन्स्टेंट, के एस इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट फॉर सॉल्वेंट पाथ, है ना, एंड के वाई इज द सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट फॉर, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिएजेंट पाथ, है ना, जो अभिकर्मक पथ है उसका सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की वेग नियतांक है, क्लियर है बोलो। अब आप यहां देखेंगे कि इसमें पूरे में जो कॉमन चीज आ रही है वो क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स है। हम ये देखना है कि रिएजेंट का रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो हम इसको इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, के ऑब्जर्व यानी ऑब्जर्व
रेट कॉन्स्टेंट इक्वल्स, इसको हटा दिया मैंने देखो तो क्या आ गया के एस प्लस, इसको भी हमने इग्नोर कर दिया, देन के वाई इंटू वाई, यानी एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एक आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें अगर हम के ऑब्जर्व्ड को लें, ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट को वाई एक्सिस पे, है ना, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ वाई, वाई की जो सांद्रता है उसको अगर हम एक्सिस पे लें तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है ना। अगर हम अलग अलग तरह के इसमें कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं तो आप यहां देखेंगे कि दिस लाइन इज फॉर हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज फॉर क्लोराइड एंड दिस वन इज फॉर ब्रोमाइड, है ना। तो पूरी की पूरी हमें इस तरह से आप देखो स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका कि जो स्लोप होता है, ढाल होता है वो के वाई होता है, और जिसकी जो इंटरसेप्ट होती है वो के एस होती है, यानी इसका जो इंटरसेप्ट हो गया ये हो गया के एस, और इसका जो स्लोप है वो क्या हो गया आपका के वाई, जो डिपेंड्स करता है वाई के ऊपर, है ना। हियर ये जो मैंने आपको बताया है दिस इज फॉर द रिएक्शन, ये जो अभिक्रिया है किसके लिए है ये आप देख लीजिए, ये दिस इज फॉर द प्लैटिनम डाइन का सियल जो आपके पास है, ये इसकी हमने रिएक्शन करवाई है वाई के साथ में, तो ये हमें देते हैं प्लैटिनम डाइन वाई, ओके एंड प्लस क्लोराइड, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि वाई जो होता है वो हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है और ब्रोमाइड भी हो सकता है, ओके तो अगर वो हाइड्रोक्साइड है तो इस तरह से लाइन हमें मिल रही है, ओके और क्लोराइड है और ब्रोमाइड है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रांस इफेक्ट, ओके।